आपने फैसला लिया था कि आप चुनावी मैदान में जाने वाले हैं, महाराजपुर विधानसभा सीट आपने चुनी थी, और अगर कोई दल नहीं देता तो आप निर्दलीय भी लड़ने वाले थे। कल आपने स्टेटमेंट दिया था मीडिया को, आज क्या हुआ है? निश्चित तौर पर इसके साथ मैंने एक चीज़ और भी बोली थी कि मैं कार्यकर्ताओं के साथ बैठूंगा और कार्यकर्ताओं के निर्णय के आधार पर हमारा निर्णय होगा। कल पूरे दिन में जितना भी वक्त मिला है सब जगह गया हूँ मैं, कार्यकर्ताओं से जितनी चर्चा हुई, चर्चा होने के बाद मुझे ऐसा लगा कि लोग आज भी इतना सब होने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हैं, और सबका ही राय ये है कि आपको चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। और मैं चूँकि पहले से भी जानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, अगर कार्यकर्ता सहमत होते तो पूरी तरीके से मैं चुनाव लड़ता, लेकिन तो कार्यकर्ता सहमत नहीं है, इसलिए हमने ये निर्णय किया है कि अब आने वाला जो चुनाव है वो भारतीय जनता पार्टी के समर्थन देते हुए हम लोग काम करेंगे। तो आपने इस्तीफा देने की बात कही थी, वो देंगे क्या? नहीं, क्यों देंगे इस्तीफा? सवाल इसका था कि अगर हम किसी राजनीतिक दल का मैंडेट लेके अगर हम फॉर्म भरते हैं तो इस्तीफा देना आवश्यक था। अब जब हम चुनाव नहीं लड़ रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी में ही मैं रहूँगा, उसमें रहते हुए ही काम करूँगा। पार्टी का कोई दबाव रहता है? निश्चित तौर पर डैमेज कंट्रोल के तौर पर हमारे संगठन के लोगों ने हमसे चर्चा की। मैंने बताया भी मैं कुछ विषयों पर रुष्ट था, मन बहुत ख़राब था, व्यथित था मन, लेकिन शांत मन से सोचने के बाद भी ये लगा कि जिस पार्टी ने मुझे सांसद बनाया, विधायक बनाया, पार्टी का जिला अध्यक्ष रहा हूँ मैं दो बार, तो जरा सी इस नाराज़गी में हमें पार्टी के खिलाफ नहीं जाना चाहिए। इस नाते ये तय कर लिया तो चुनाव नहीं लड़ेंगे। पार्टी से ऐसी कौन सी नाराज़गी थी जिसको लेकर आपने इतना बड़ा डिसीजन लिया? देखिए, कहीं ना कहीं मन में एक भाव ये था, सांसद रहते हुए हम कार्यकर्ताओं से दूरी बन जाती है, लेकिन अगर हम विधायक रहते हैं तो सीधा संपर्क रहता है, और हम क्षेत्र में जिस क्षेत्र में बुंदेलखंड में हम रह रहे हैं यहाँ के डेवलपमेंट में विधायक की भूमिका ज़्यादा अहम हो जाती है। मन में ये भाव था कि एक अवसर मिलेगा, पार्टी अवसर देगी, ऐसा क्षेत्र जहाँ पर सबसे ज़्यादा आवश्यकता है विकास की, उसमें हम अपनी भूमिका अदा करेंगे, तो वो अवसर नहीं मिला तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं मन में नाराजगी थी। थैंक यू।